मोदी सरकार अपने खिलाफ उठी आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एमएसपी की मांग करने वाले किसानों पर लाठी चार्ज करती है, नौकरी मांगने वाले छात्रों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करती है और संसद में सवाल करने पर आवाज दबा देती है। इस सरकार के ऐसे कई कारनामे हैं जो दिखाते हैं कि भाजपा सरकार सच से बहुत डरती है। ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डॉर्सी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे लोगों की आवाज दबाने वाली मोदी सरकार की असलियत सामने आ गई है। जैक ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान उन्हें सरकार ने धमकी दी कि अगर आप सरकार की तरफ नहीं झुकेंगे तो भारत में ट्विटर ऑफिस बंद कर देंगे। It manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India. सरकार अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। सिर्फ मोदी के गुणगान करिए, वरना न जाने कब किसके घर पर छापा पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ ट्विटर की ही आवाज दबाई हो। इससे पहले भी सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए कई मीडिया हाउसेस पर भी छापा मारा था। अब आप जरा गौर कीजिए, एक सरकार जिसके मुखिया पीएम मोदी हैं, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकती है। सोचिए जो सरकार किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले ट्वीट से इतना बुरी तरह डर गई, क्या वो कभी कोरोना की लापरवाही का सच सामने आने देगी? क्या वो सरकार कभी चीनी अतिक्रमण का सच सामने आने देगी? क्या वो सरकार कभी पुलवामा के 300 किलो आरडीएक्स का सच सामने आने देगी? सवाल कई हैं और जवाब एक ही है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इतिहास की सबसे कायर सरकार है। और वैसे भी जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आने वाली सरकार सच का सामना कैसे ही कर